हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फाइनली यूपीएससी ने एनडीए एग्जामिनेशन सेकंड 2019 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। जैसा कि आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नावल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2019 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे एनडीए एग्जामिनेशन सेकंड 2019 के आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से लेकर कब तक फिल होंगे और कौन कौन से कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एजुकेशन का और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आपका जो एनडीए एग्जामिनेशन सेकंड 2019 कंडक्ट होगा उसमें आपका किस तरीके का पैटर्न रहेगा, फर्दर आपका जो एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होगा, कंप्लीट जो आपके डाउट्स हैं एनडीए सेकंड 2019 से रिलेटेड वो हम फ्रेंड्स इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन फ्रेंड्स कंडक्ट होगी। तो सबसे पहले इसकी यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं जो कि यहां पे यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अभी अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुकी है। डेट आप यहां पे देख सकते हैं, आज की डेट 7 अगस्त 2019। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपकी केवल 12th पास होनी चाहिए या फिर अगर आप अभी 12th कर रहे हैं यानी कि आपकी जो 12th है वो नेक्स्ट ईयर पास होगी 24 जून 2020 से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। जो कैंडिडेट अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो भी इसके एग्जाम को दे सकते हैं। तो सेपरेटली इसका जो एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और टोटल आपकी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विंग वाइज कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी वो भी फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 8 अगस्त 2019 से शुरू हो जाएंगे फिलअप होना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और 3 सितंबर 2019 शाम को 6 बजे तक आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की। तो जो यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेंगे कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। और जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि आपकी 0.33 नेगेटिव मार्किंग, हर जो आप अपना गलत क्वेश्चन करेंगे उसके लिए आपकी यहाँ पे पेनल्टी भी फ्रेंड्स आपको पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट विंग वाइज कितनी फ्रेंड्स वैकेंसियाँ रहेंगी। तो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंडर टोटल 370 वैकेंसियाँ रहेंगी और नावल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के अंडर 45 वैकेंसी, और टोटल आपकी यहाँ पे वैकेंसी 415 वैकेंसियाँ अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे रहेंगी, जिसका आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों डेट्स के बीच में लाई करना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 2001 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेट्स के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फॉल करना चाहिए। केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट इसके लिए यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में लाई करना चाहिए, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा जो आपका मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट रहता है उस पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रूफ एक्सेप्टेड रहेगा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसका एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अलग अलग विंग के लिए क्या रहेगा। तो आर्मी विंग जो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी की रहेगी इसमें आपकी केवल 12th पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट आपके मेंशन नहीं है, आपकी केवल 12th पास होनी चाहिए 10+2 पैटर्न में, और यहाँ पे जो आपका जहाँ से आप 12th पास करोगे आपका बोर्ड यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी 12वीं पास केवल यहाँ पे आर्मी विंग में होनी चाहिए, आर्मी विंग के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंडर। उसके बाद यहाँ पे एयरफोर्स और नावल विंग जो आपके रहेंगे नेशनल डिफेंस अकेडमी के, और यहाँ पे 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, प्लस आपके 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट्स आपने 12वीं में पढ़े होने चाहिए। उसके बाद फिर जब आप यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा, जो कि हम यहाँ पे नीचे डिस्कस
करने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सच एस कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यू बट कुड नॉट प्रोड्यूस द मार्टिकुलेशन 10+2 आर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू, फिर आपको वहां पे नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी यहां पे जो कैंडिडेट अभी यहां पे 12th पढ़ रहे हैं यानी कि उनकी अगले साल 2020 में 12वीं पास होगी, आपका रिजल्ट 24 जून 2020 से पहले पहले आना ही चाहिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 12वीं पास कर चुके और उनका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में फॉल करता है वो यहाँ पे अपना ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 24 जून 2019 तक आपका जो रिजल्ट है 12वीं का, जो अभी पढ़ रहे हैं अपनी 12वीं कर रहे हैं उनका यहाँ पे 24 जून 2019 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके जो फिजिकली स्टैंडर्ड है आप यहाँ पे फिजिकली फिट होनी चाहिए, आपको यहाँ पे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए जो कि आपका यहाँ पे डिसेबल्ड कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे फिजिकली फिटनेस फ्रेंड्स होनी चाहिए। और ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है या फिर सन्स हैं JCO NCO या फिर ORS के, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देनी है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। केवल जो कैंडिडेट यहाँ पे OBC हैं या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस इसकी देनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे जब इसके ऑनलाइन फॉर्म फ्रेंड्स फिल होना शुरू होंगे तब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे आपको अपनी एप्लीकेशन फीस को पे करना है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें आपका फ्रेंड्स किस तरीके का पैटर्न जो है वो रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आप डिफरेंट डिफरेंट विंग के लिए प्रेफरेंसेस भी अपनी देंगे जब आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सभी के लिए आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, यहाँ पे आप पैटर्न उसका देख सकते हैं। इसमें आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा इसमें आपके दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, सबसे पहले आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स का एग्जाम कंडक्ट होगा जिसकी आपकी ड्यूरेशन 2 घंटे और आपको यहाँ पे 30 मिनट दिए जाएंगे, टोटल 2.5 घंटे का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें आपके मैथमेटिक्स में टोटल 300 मार्क्स रहेंगे। सेकंड सेक्शन के अंडर आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें भी आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे लेकिन इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 600 रहेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंडर आपके 2 पेपर रहेंगे, एक इंग्लिश और दूसरा आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश आपके 200 मार्क्स की रहेगी और आपका जो जनरल नॉलेज रहेगा वो आपका 400 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का रहेगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे टोटल 900 का बन जाता है और जो आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो कि आपका 5 दिन का रहेगा, वो भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 900 मार्क्स का रहेगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी फ्रेंड्स रहेगी जो कि आप यहाँ पे गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज, सबसे पहला मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं जो कि आपका टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे जो आपका 12th का बेसिक सिलेबस है जो कि आपने 12th क्लास में अपना पढ़ा हुआ है या फिर जो अभी 12th कर रहे हैं अपने वो ये सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा जो कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन फ्रेंड्स कंडक्ट होगा। उसके बाद आपका आ जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 200 मार्क्स की रहेगी और जनरल नॉलेज आपका 400 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल साइंस का जो कि आपका यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंडर फ्रेंड्स रहेगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका डायरेक्टली SSB इंटरव्यू कंडक्ट होगा जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगी जो कैंडिडेट का रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। उसके बाद आपको सेपरेट ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है डिफेंस की जैसे इंडियन आर्मी की नेवी की, वहाँ पर सेपरेटली आपको जाके अपने SSB इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है जो कि हम फर्दर वीडियोज़ में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो UPSC ने NDA एग्जामिनेशन सेकंड 2019 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी है। कंप्लीट हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका क्या एजुकेशन का और एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें किस तरीके का पैटर्न रहेगा वो भी हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है NDA एग्जामिनेशन सेकंड 2019 के अंडर। जो स्टूडेंट्स 12वीं अभी कर रहे हैं और जिन्होंने कर लिया
दोनों कैंडिडेट्स के अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।